एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिलास किचन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको शेयर करने वाली हूँ काबली चने की इडली। और देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी स्पंजी ये इडली बन के रेडी हुई है। तो जितनी स्पंजी ये देखने में लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो अगर इडली पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर काबली चना ली हूँ, और चने को मैं पूरी रात भीगने के लिए रखी थी, और ये अच्छे से भीग चुका है। अब इसे हमें पीसना है, तो इसको मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसके साथ थोड़े से मसाले ले लेंगे। तो देखिए, लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च ले लेती हूँ। अब इसे हमें ग्राइंड करना है, तो पहले इसको साइड में रखती हूँ और एक काम कर लेते हैं, उसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक मिक्सिंग बाउल ली हूँ और उसके अंदर 4 चम्मच मैं इडली रवा डालूंगी। आप रवा के जगह सूजी भी ले सकते हैं। तो 4 चम्मच में रवा डाल लेती हूँ और 4 चम्मच ही इसके अंदर दही डालेंगे। तो आप दही कोई सा भी ले सकते हैं, खट्टी या मीठी जो आपके पास है उसको ले सकते हैं। और 4 से 5 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे दही और इसे मिक्स कर लेंगे। तो कटोरी को धो करके थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल लूँगी और मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट पर रखते हैं। और तब तक हम यहाँ पर इडली मोल्ड को रेडी कर लेते हैं, यानी कि उसे ऑयल से ग्रीस करके रेडी करके रख लेते हैं। तो देखिए, मैं एक ही रेडी कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बना रही इसीलिए। और यहाँ पर पीस लेंगे हम चने को। तो देखिए, ये चना पीस चुका है, और इसी तरह से आपको फाइन इसका पेस्ट इस तरह से बना लेना है पीस करके। तो चना पीस चुका है, और चलिए चलते हैं हम रवा के पास में और रवा को देख लेते हैं। तो देखिए, रवा पहले से किस तरह का सूखा हो गया है, यानी कि दही को पूरा अच्छी तरह से सूख लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चने को, और चने और रवा को मिक्स कर लेंगे। तो सारा चना हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डाला है। तो थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे और इसको गीला कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है पानी वगैरह डाल करके। अब इससे हम ढक करके रख देंगे, और इसके लिए तड़का मैं रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, इसके तड़के के लिए मैं यहाँ पर जीरा ली हूँ, हरी मिर्च, सरसों और करी पत्ता। तो इन सारे चीज़ों को मैं पहले तड़का लगा लेती हूँ। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। देखिए, तड़का रेडी हो गया है, इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अगर इडली में तड़का डाल के अगर इडली बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए। तो थोड़ा सा मैं हल्दी डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो खाने वाला सोडा होता है वही डाल लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ये हो चुका है मिक्स। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। तो मैं ढेर सारा हरा धनिया काट के रखी थी, और उसको इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम डालेंगे नमक। तो अभी तक आप सब नोट किए होंगे, मैंने नमक नहीं ऐड किया है इसके अंदर। आप स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब चलिए, अब हम इसको डालते हैं इडली स्टैंड में। तो 4 खानों को मैं भर लूँगी बढ़िया से, और जो भी थोड़ा सा बैटर बचेगा मैं फिर एक बार बना लूँगी। और देखिए, भर चुका है चारों अच्छे से, और कढ़ाई भी मैं गैस के ऊपर रख दी थी पहले से, थोड़ा सा हीट होने के लिए। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा रिंग रख करके और पानी भी डाल करके इसे ढक करके पका सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट लगेगा इसे पकने में। और देखिए, ये अच्छे से पक चुका है, रेडी हो गया है। गैस को मैं ऑफ़ कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। तो देख सकते हैं कितना इजीली निकल रहा है, देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से इडली मोल्ड को छोड़ दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से 2 बैच में बना करके रेडी कर ली हूँ इडली। और चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देखिए, प्लेट में मैं एक तरफ शेजवान चटनी रखी हूँ, एक तरफ केचप रखी हूँ। आप चाहें तो खोपरे या फली की भी चटनी बनाकर इसे खा सकते हैं। आप चटनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से भी खा सकते हैं, इसे चटनी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इसी तरह से ये सादा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया रेडी हुआ है, इजीली टूट भी रहा है। तो बहुत ही बढ़िया रेडी हुआ फ्रेंड्स, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।